चलो सो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन जो दिव्या ने बताया था व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट एलिमेंट में दोनों ही आ जाते हैं ना डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट सेंटेंस पूरा करो अमन फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन ठीक है एंड मेक इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन ओन सॉल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये दो प्रकार की होती हैं एक मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और एक नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नॉन मेटल से नॉन मेटल भी हो और एक मेटल से मेटल भी हो जाए नाउ फॉर एग्जांपल अगर Fe को CuSO4 के सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो ब्लू कलर का होगा यहाँ एक्वेस लिखना तो राशि क्या होगा अगर मान लीजिए आयरन की नेल डाल दी हमने ब्लू सॉल्यूशन में तो क्या होगा Fe चूंकि मोर रिएक्टिव है तो FeSO4 बन जाएगा और Cu डिस्प्लेस हो जाएगा वो हमने आपको पहले भी बता दिया Fe नहीं डिस्प्लेस होता है वो हो गया लो जिंक से हो गया अब जरा देखो ये Fe की रॉड है तो आयरन की रॉड ने सब इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ दिए क्या और वो उतर गया सॉल्यूशन में और अगर वो उतर गया कहने लगा मैं तो सॉल्यूशन में रही रहूंगा अब वो ज्यादा जो जब ताकतवर था तो कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को मजबूरन क्या जाना पड़ा तो सल्फेट बोले भाई तुम लोग तय कर लो हम तो भाई एक ही को कैटायन को रखेंगे चाहे तुम रह लो तो Fe ने कहा मैं ताकतवर हूँ मैं रहूंगा तो अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इंतजार कर रहे हैं ना तो ये वापस नहीं जा रहा छोड़ गया तो क्या यही वापस जाकर डिपॉजिट होगा और फिर अल्टीमेटली ये सोल्यूशन जो कि पहले ब्लू कलर का था थोड़ी देर में क्या स्थिति आ जाएगी थोड़ी देर में यही रॉड रहेगी लेकिन इस रॉड के ऊपर क्या कॉपर धीरे धीरे आने लग गया तो ये ब्राउन लेयर हो गई रेड ब्राउन लेयर और जो रेड ब्राउन लेयर पूरे सोल्यूशन में धीरे धीरे Fe उतरने लगा है क्या तो सोल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा बोलो लाइट ग्रीन कैसा हो जाएगा जैसा आपने कल दिखाया था आपको कि नहीं आज चीजें बदल चुकी हैं लेकिन पहले ब्राउन से ब्लू था तो ब्लू से लाइट ग्रीन हो गया और उसके ऊपर एक लेयर जम जाएगी तो वो लेयर भी देखो वो लेयर आपको कैसी लग रही है क्या ये रेड ब्राउन है आयरन के अलावा लेकिन आप कॉपर भी देखो ये कैसी लेयर है तो ये ऐसी लेयर लग गई कॉपर की क्लियर नहीं अगर कॉपर का तो आपको कलर पता ही होगा ना ये कॉपर की लेयर तो इस तरीके से अगर हम आयरन नेल डालेंगे वैसे इसको बिल्कुल हीट कर दिया जाए गैस पर तो इसका रेड ब्राउन लश्चर होगा जो कि इस तरीके का होगा यही तो कॉपर मेटल है तो इसी से तो मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है सिर्फ पानी की वजह से अगर इसे हीट कर दो गैस पर तो फिर वैसे ही हो जाएगा तो ये देख लो है कि नहीं बाकी सॉल्यूशन का कलर मैंने कल दिखाई दिया था नहीं ना तो इससे क्या पता चल रहा है इसको दिव्या बोल के दिखाओ कि when iron nail is dipped in copper sulfate solution then iron being more reactive than copper displaces copper from copper sulfate solution and makes its own solution and the color of solution changes from blue to green bolo when iron nail is dipped into copper sulfate solution then iron being more reactive displaces copper and from its salt solution iron forms its own solution and
concentrate and the color of solution changes from blue to green. अच्छा होता है, बोलो सुजान। सर बट आयरन कॉपर आयरन आयरन इज डिप्ड इन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट बहुत अच्छा एंड हां एंड मेक्स इट मेक्स इट ऑन साल्ट सॉल्यूशन क्वेश्चन iron beam more reactive वो ज्यादा reactive है displaces less reactive copper from कल परसों साइंस की क्लास होगी क्योंकि अभी हम लोग मैथ में काफी आगे आ चुके हैं तो हम साइंस करेंगे जिससे हम लाइफ प्रोसेस पे जल्दी पहुंच सकें ओके दो चैप्टर तो हो गया ना मैथ में तो ठीक है दो चैप्टर सो डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव वो किसको डिस्प्लेस कर देता है बोलो लेस रिएक्टिव कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मैं आगे बोलो एंड उसको उसने डिस्प्लेस कर दिया एंड सॉल्ट का मतलब तो समझते हो ना जिसमें एक कैटायन हो और एक एनायन हो उसे सॉल्ट कहते हैं मेटल कैटायन होना चाहिए तो कहीं तुम Na एक मेटल कैटायन है तो ये साल्ट हुआ कि नहीं साल्ट इज एनी आयनिक कंपाउंड विच हैज वन मेटल कैटायन एंड एक नॉन मेटल एनायन तो ऐसा बना सकता है तो इस तरीके से क्या यहां पर कई चीज है मेटल कैटायन है नॉन मेटल एनायन ये भी साल्ट है कि नहीं तो इट्स ओन सॉल्ट सॉल्यूशन द कलर और फिर दिव्या H2SO4 को क्या सॉल्ट सॉल्यूशन कहोगे कि नहीं कहना चाहोगे इसीलिए मैं पूछा आप बोलो ना हाँ ये नहीं कहना ये नहीं कहना ये जान गया कि हाइड्रोजन कोई मेटल थोड़ी है बुद्धिमानी भी लगा दी ये दिमाग भी लगा देते हैं क्या जमाना आ गया H2SO4 सॉल्ट है सॉल्ट सॉल्यूशन बताओ ऐसे क्या कर रही हो H प्लस है और SO4 दोनों ही नॉन मेटल है तो कहां से सॉल्ट होगा मेटल होना चाहिए ना एक सॉल्ट सॉल्यूशन के क्या होना चाहिए एक मेटल कैटायन और नॉन मेटल लेना है यहां तो कोई मेटल नहीं है तो इसलिए सॉल्ट नहीं माना जाएगा ठीक है ये एसिड है ठीक है चलो अब देखो सो द कलर ऑफ सॉल्यूशन अंशु प्रिया बोलो सेंटेंस पूरा करो द कलर ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस वो तो हमने थोड़ा डाला था वरना ब्लू ही है ब्लू टू लाइट ग्रीन डीप ब्लू भी किया जा सकता है इससे क्या पता चल रहा है कि Fe इज मोर रिएक्टिव देन Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर क्या Fe से भी ज्यादा कोई रिएक्टिव है क्या है जिंक है अच्छा अब ये बताओ जिंक को अगर मैं FeSO4 में डाल दूं तो क्या होगा देखो अब हमने एक FeSO4 का सलूशन लिया तो इसमें Fe2+ था और क्या था SO4 2- जो कि लाइट ग्रीन होता है और इसमें जिंक की रॉड डाल दी ये जिंक है अच्छा इलेक्ट्रोड भी क्या होता है देख लो यही रॉड ही इलेक्ट्रोड होता है बस उसमें ऊपर तार बांधने के लिए ये होता है खोला और तार बांध के फिर इसको पूरा पैच से कर दिया
यही है, इसी को पानी में डाल देंगे इलेक्ट्रॉन। एनी रॉड कंडक्टिंग रॉड विच बियर चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड। रिपीट करो रिया। एनी कंडक्टिंग रॉड, आयरन से लेना देना नहीं है तो जिंक की है, कोई भी कंडक्टिंग रॉड बोलो विच, सुनने में कच्ची हो, हाँ बोलो, हाँ बोलो, बोलिए, विच बियर चार्जेस, ठीक है, कोई भी धातु चालक जिनमें आवेश हो उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं, हिंदी में समझ लो, ठीक है, विच बियर्स चार्जेस, इतनी बात समझ आ गई, एंड विच बियर पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज होगी उसे क्या कहेंगे, हर चीज जानते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव होगी वो माइनस वाले को बुलाएगी एनायन को, तो बोल दिया एनोड, ये चालाकी होती है, देखो हम लोग इनसे सीखें, कैसे इन्होंने बताया, देख लो कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली कि जिस जो पॉजिटिव रॉड होगी, ये देखिए तो पॉजिटिव रॉड ये है, तो बोलो निया जो पॉजिटिव रॉड होगी उसे क्या कहोगी, बोलो, हर चीज है जानती, तुम भी बोलो, बोले एनायन को ही अट्रैक्ट करेगी तो एनोड हुई, ये दिमाग लगा बता दी, पॉजिटिव रॉड क्या करेगी बोलो, किसको अट्रैक्ट करेगी, देखने लगाओ टेक से तो आधा फोर ब्रेन ऐसे ही कनेक्टिव हो जाता है, तो ये जो पॉजिटिव रॉड होगी वो एनायन को अट्रैक्ट करेगी कि कैटायन को, जहां गुप्ता जाएंगे वो गुप्ताज हाउस होगा कि वो और वैष्णवाज हाउस हो जाएगा, अब एनायन जा रहे हैं तो एनोड बोलोगी ना, तो क्या हुआ बोलो, पॉजिटिव रॉड, व्हाई द पॉजिटिव रॉड इज नोन एज एनोड, बिकॉज एनायन गोस टू इट, दैट्स व्हाई इट इज एनोड, और जो नेगेटिव रॉड है उसे कैथोड कहेंगे, क्यों कहेंगे कैथोड, वेयर कैटायन गोस, तो H+ प्लस यहां गया और OH यहां गया, एनायन इसके पास गया, ठीक है, सो पॉजिटिव रॉड इज क्या होगी बोलो, अब दोनों एक साथ बोलो जरा, ठीक है, अगर सेल से जुड़ा तो हम लोग आगे भी देखेंगे, ये देखो अब अमन इसके बारे में बताओ, ZnSO4+, फिर जरा इसके लिए मुझे एक सेंटेंस बना के बताओ, मैं लिख दूं, इफ If zinc rod, rod भी हो सकती है, granules भी मेरे पास रखे हैं चमकीले, तो एक ही बात है, zinc भी ये भी ले लो चाहे ऐसे रखे, If zinc rod, आगे बोलो, बहुत अच्छा, is dipped in ferrous sulfate solution, आगे बोलिए, then zinc beam more reactive than Fe, displaces Fe from FeSO4, पूरा ना लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, and make ZnSO4 and occurs, hence the color of solution changes from पानी में अशुद्धियाँ होंगी, ये रॉड्स भी अच्छी महंगी नहीं है, लेकिन जो महंगे लोग होते हैं ना विदेशों के वो अच्छा करते हैं, बुक में भी तुम्हारे डायग्राम बनाए देखो, यही फिगर है, देखो जिंक और आयरन सल्फेट कर दिया था ना, अब देखो तो इससे क्या होगा, ये किसकी रॉड ली है अमन, ये जिंक की है, देखो जिंक की रॉड है तो जिंक क्या करेगा, क्या अपने इलेक्ट्रॉन नहीं छोड़ देगा, और जब नीचे उतर जाएगा जिंक ने Zn+2+ बन के उतरा, तो मजबूरन क्या Fe को वापस जाना पड़ेगा, और फिर सोल्यूशन क्या हो जाएगा बोलो, इसके ऊपर एक कोटिंग आ जाएगी, और वो कोटिंग किसकी होगी,
जैसे उसमें हमने ब्राउन कोटिंग देखी वो तो कॉपर की थी, ऐसी की हो जाएगी। और सोल्यूशन में कौन अब रह गया बोलो? और SO4 जो कि कलरलेस होता है। कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस फ्रॉम, क्योंकि ये लाइट ग्रीन है और ये कलरलेस हो गया, ये ट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हो। एंड कलर चेंजेस फ्रॉम लाइट ग्रीन टू कलरलेस। इससे और क्या पता चला? इससे ये पता चलता है, ये सही है, इससे पता चला ना कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो अब हम क्या इन तीनों को भी कवर कर सकते हैं? जिंक ज्यादा रिएक्टिव आयरन से और आयरन ज्यादा रिएक्टिव, तो इनकी ट्रेंड भी बना सकते हैं ना। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये देखो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, और आयरन इससे ज्यादा है। लेकिन क्या कॉपर भी किसी से ज्यादा है? ये करेक्ट है। सो जैसा इन्होंने बताया, इफ कॉपर में कॉपर AgNO3 में डाल दिया जाए तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और Ag डिस्प्लेस हो जाएगा। नंबर बताओगे कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला? शिव शर्मा आप बताइए। हाँ बोलो, ये ठीक बता। जैसा कि अरविंद ने बताया कि CuNO3 होल ट्वाइस, क्योंकि हमारा जो भी है वो Cu2+ है, जितना भी वो क्यूप्रिक है कि नहीं, और वो जानते भी ज्यादा है, तो दैट इज Ag, तो दैट इज यहाँ 2 लगा दिया, तो ये अब 2 यहाँ लगा दिया, हो गया पूरा सही है। अब अरविंद इसके साथ ही साथ जरा इसका स्टेटमेंट भी बोल दो। कॉपर वायर, वायर ले लिया जाए, इज डिप्ड इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, देन कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव, देन कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव, वो ज्यादा रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस किसको कर देगा? डिस्प्लेसेस बोलो, डिस्प्लेसेस Ag, हां सिल्वर किसमें से? फ्रॉम AgNO3, और क्या बना लेगा? एंड मे CuNO3 होल ट्वाइस। कॉपर के तुमने सोल्यूशन देखे हैं, कॉपर नाइट्रेट कॉपर क्लोराइड, उनका ज्यादातर कलर क्या होता है? देखो ये कॉपर के ही है, ये कॉपर क्लोराइड है, CuCl2 है, ज्यादातर ये ब्लू ग्रीन ही होंगे, तो इसलिए कॉपर के जितने सोल्यूशन है तो ब्लू होंगे, और ये वो फिरोजी कलर का रखा हुआ है जैसा सी होता है, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से, और AgNO3 का कैसा कलर होगा? ये कलरलेस है। AgNO3 ये बहुत महंगा है, तो इसलिए इतना ज्यादा इसको सिल्वर नाइट्रेट है, और इसी बोतल में ये ज्यादा बोतल में रखा हुआ है, लेकिन वो भी पॉलीथिन सिल्वर है ना, तो यही 500 रुपए का, तो हम इसको क्यों प्रैक्टिकल में करें, वीडियो ही ना दिखा रहे, तो सिल्वर समझ में आ गई बात की नहीं? तो हम करना चाहें तो कॉपर कॉइल है रख दें, लेकिन हम वहां देख लेंगे, लेकिन वो वीडियो बहुत अट्रैक्टिव है। तो इसका कलर बताओ दिव्या, और इसका ये ठीक है कलरलेस, और ये कैसा है? ब्लू ग्रीन, ठीक है। तो इस तरीके से कलर बहुत पूछा जाता है। तो अब हमें ये पता चल गया कि कॉपर किससे ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। तो अब हमें 4 एलिमेंट लिखने हैं, तो कौन किससे ज्यादा रिएक्टिव? मान लीजिए मेरे पास जिंक है, Ag है, कॉपर है, Fe, तो किस ऑर्डर में लिखें बोलो उत्तर जरा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? Zn, फिर Fe, फिर Ag सबसे कम रिएक्टिव है। सो ऑन द बेसिस which replaces which, a table is made, a series is made, and that series is known as the activity series. So, which displaces which from its salt solution? इस आधार पर जो एक सीरीज बनाई जाती है उसे क्या कहेंगे? एक्टिविटी सीरीज। नाउ लेट अस सी
जो हम लोगों ने यहाँ रिएक्शन देखी वो यहाँ पर भी देखें। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन हटा दी गई है, लेकिन वो इक्वेशन क्या थी? Fe को मैंने किसमें डाला था? CuSO4। ऐसा पहले दिन किया था, आयरन नहीं डाला था कि नहीं, जो कल आप लोगों ने देखा था, तो क्या बन गया था बोलो? FeSO4 + Cu। इसकी तो हम लोगों ने वीडियो भी देख ली थी कि ग्रीन हो गया था। अब हम ये वाली देखेंगे, जिंक को FeSO4। Then let us see it. Now, कॉपर इन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, देखो हियर इज द डिस्कस रिएक्शन ऑफ कॉपर विद AgNO3। क्या बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थी? क्या होती, कितनी याद करना चाहते हो? 20% समझ नहीं पाते। चलो, नेक्स्ट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फोर्थ पार्ट इज, फोर्थ रिएक्शन कौन सी है? प्रेसिपिटेशन। इधर के भी दिखाएंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में होता क्या है? व्हेन टू सॉल्ट्स सॉल्यूशंस आर इंटरमिक्स, दो सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे और उनको आपस में क्या करेंगे? इंटरमिक्स करेंगे। जरा देखो, मान लीजिए हमने एक Na2SO4 लिया, ठीक है, प्रेसिपिटेशन आने को अभी डबल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डबल, अलग अलग है रिएक्शन। इनमें से कुछ ऐसी रिएक्शन है कि जिनमें प्रेसिपिटेट बन जाता होगा, तो उसको क्या कहेंगे बोलो? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देखो, टू सॉल्ट सॉल्यूशन, Na2SO4 का भी मेरे पास सॉल्ट है, अब ये Cl2 का, दोनों का भी करेंगे, ये बेरियम क्लोराइड है और Na2SO4 का, ठीक है। अभी मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो क्या होगा? ये जब पानी में मिलाऊंगा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होंगे, क्रिस्टल क्लियर को जैसे ही एक साथ मिलाऊंगा पनीर के छोटे टुकड़े दिखने लगेंगे। मेरा मतलब समझो, जो बनेगा किसके साथ मिला रहा हूं बोलो? BaCl2 के साथ। तो इसमें ये भी एक ऐसा है और ये भी कैसा है बोलो? तो दे इंटरचेंज देयर आयन, दे एक्सचेंज देयर आयन। Na+ क्या बोलेगा? मुझे Cl के साथ जाना है, मैंने तुमको बताया था पहले भी, फर्स्ट ग्रुप में वो अच्छा देने वाला और 17th का सबसे अच्छा लेने वाला, तो सबसे अच्छी बॉन्डिंग किसके किसके बीच बनती है? NaCl के बीच में, तो वो तो जाएगा उसके साथ, वो क्यों रहेगा? एक अच्छा राजा एक अच्छे भिखारी के साथ ही रहता है, रंग के साथ, जो लेने वाला वो देता रहे वो लेता रहे। तो अब Na किसके साथ चला जाएगा बोलो? तो NaCl बन गया। अब बोलो निशिता, क्या ये पानी में अच्छी तरीके से सॉल्युबल है? तो सॉल्युबल है, लेकिन Ba किसके साथ जाएगा? BaSO4, ये सॉलिड बन के ऊपर नीचे बैठेगा, क्योंकि Ba कितना हैवी है, देखो तो सेकंड ग्रुप पर चौथे नंबर का, पांचवे नंबर का, इतने भारी भारी लोग सोल्यूशन में क्यों रहे? और सल्फेट भी कितना भारी भरकम आयन, SO4, तो ना Ba भी भारी SO4 भी भारी, तो मिलके जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो ये क्या करेंगे? सोल्यूशन में सोल्यूबल नहीं रहेंगे और नीचे बैठ जाएंगे या फिर ऊपर रहेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझे, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो साल्ट मिलाए गए, दो साल्ट बन गए, एक साल्ट उसमें पानी में घुला हुआ रहा और एक सॉलिड बन गया, ठीक है कि नहीं? सो व्हेन टू सॉल्ट सॉल्यूशन
are intermixed with each other, आपस में मिला लिए जाए, then they exchange their ions. क्यों अपने आयन चेंज करते हैं? टू फॉर्म मोर स्टेबल सॉल्ट्स. ये सॉल्ट से अब जो दूसरे ज्यादा स्टेबल बने ना, दिस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट क्रिएशन. ये स्वयं विस्थापन अभिक्रिया है, डबल डिस्प्लेसमेंट. तो अब इसको स्टेटमेंट की तरह बोलो दीदिया, व्हेन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन इज मिक्स्ड विद बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन दैट इट फॉर्म्स NaCl सॉल्यूशन विद, देन दे म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयंस. वे अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे आपस में, ठीक है, एंड फॉर्म वाटर सॉल्युबल सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड इनसॉल्युबल या प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट. व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट व्हाइट दिखता है, सही है. तो ये क्या बना बोलो? व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी भी बोल सकते हैं, व्हाइट पीपीटी. तो और ये सब सॉल्यूशन है, इतनी बात समझ आ गई. एक बार मुझे डबल डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बताओ, डेफिनेशन. When a intermixed and if they exchange their ions, it is called. अगर मान लो मैं सोडियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट मिलाऊं तो कुछ होगा? क्योंकि इससे वो बने, उससे ये थोड़ी ना बन जाएंगे. ऐसा होना होता तो फिर वहां अदली बदली होती रहती. सोडियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट मिला हुआ तो कुछ नहीं होगा, इन दोनों को मिलाने से ही हुआ. व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? ठीक है, इफ वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इज इनसॉल्युबल ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, then it either settles at bottom or floats at top. या तो नीचे बैठ जाएगा या ऊपर तैरता रहेगा. This is called precipitate and this reaction is called precipitation reaction. या इस reaction के दौरान बना हुआ एक उत्पाद पानी में अघुलनशील है तो वो नीचे तल पर बैठ जाएगा या ऊपर सतह पर तैरता रहेगा, उसे अवक्षेप कहेंगे. और इस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपित अभिक्रिया कहेंगे. इसे समझो, समझ आ गई बात. अब हम वही करना चाहते हैं, यदि प्रेसिपिटेट बनता है तो फिर इसी रिएक्शन को हम क्या कह देंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे. 90% केस में प्रेसिपिटेट बनता है और 10% केस में नहीं बनता है. लेकिन अगर बन जाएगा देन दैट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल आल्सो बी टर्म्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. जरा इस चीज को लिखें जैसा अभी दिव्या ने बताया. व्हेन एक्वियस सॉल्यूशन of sodium sulfate is mixed, अब वो कैसा था, क्या colorless था, ठीक है, is mixed with colorless aqueous solution of solution of बेरियम क्लोराइड. जैसे नमक भी सफेद दिखता है लेकिन पानी में डालती ट्रांसपेरेंट हो जाता है, वही इनकार. देन दीज म्यूचुअली एक्सचेंज देयर आयन, वे आपस में क्या करते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं देयर आयंस, ठीक है, टू फॉर्म न्यू सॉल्ट्स. सॉल्यूशन
एक बात और समझो कि मेरे कहने का मतलब है कि अभी इस पहले सोल्यूशन में क्या है, Na है, और बोलो क्या है, SO4 आयन। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई, दो Na क्या होंगे, ऐसे ही तो पानी में ये घूम रहे होंगे ना, जब पानी में जाते हैं तो सब अलग अलग आयन्स घूमने लगते हैं, फिर वो Na2SO4 थोड़ी ना रहेगा। तुमको ये बात मालूम है, NaCl जब पानी में डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो बोलो, ये ऐसे घूमते रहते हैं, इसके चारों पानी घेर लेता है, तभी तो वो एक्वियस सॉल्यूशन है। तो तुमने एक ये लिया और दूसरा कौन सा लिया बताओ, तो Pa का एक रहेगा और क्या रहेंगे, जब इन दोनों को मिलाया तो, और अगर यहाँ Na+ भी घूमता रहा और SO4 भी घूमता रहा और Ba2+ भी, तो तुम ये कह सकती हो कि एक्सचेंज हुआ, क्यों सभी तो घूम रहे पार्क में, किसी ने कहा सब हस्बैंड वाइफ का जोड़ा ही है घूम रहा है, लेकिन जोड़ा बदल जाए, अरे जोड़ा बदल गया, वो दूसरे का हाथ पकड़ ले छोड़े ना, तब माना जाएगा जोड़ा बदला, और ऐसे सभी घूमते रहे, अगर दोनों सॉल्युबल रहे तो इसका मतलब वो रिएक्शन हुई या नहीं, क्या किसी को पता चल रहा है, सब घूम रहे पार्क में, तो उसमें होना क्या चाहिए, एक हाथ पकड़ लो बैठ जाए किनारे जाके कुर्सी पे बैठ गया किनारे, तब बोला जाए भाई प्रेसिपिटेट तो बन गया, ठीक है। तो अब Ba क्या कर दे, बोलो, बोले हम भी भारी तुम भी भारी, हम दोनों आभारी हैं, इससे होता नहीं, और फिर ये रह जाए, ये सेटल डाउन हो जाएगा। अब जरा बात क्या की जाए, न्यू सॉल्ट सॉल्यूशन, यहां तक तुमने समझ लिया, ड्यूरिंग दिस बेरियम सल्फेट इज इनसॉल्युबल सेटल्स डाउन एट बॉटम, सो दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसी रिएक्शन में किसी ना किसी एक को मिलना पड़ेगा, नहीं तो सब अगर घूम रहे हैं तो क्या किस पता ही नहीं चलेगा, फिर तो कोई मतलब नहीं ना सोल्यूशन में पड़े, आप कहोगे क्या रिएक्शन हुई, सभी तो घूमते हैं घूम ही रहे, तब थोड़ी ना हुई रिएक्शन, एक मिल जाए और नीचे बैठ जाए तब माना जाएगा कि एक्सचेंज है, नहीं तो इसलिए क्या होगा, सोल्यूशन ये चीज, ओके। अब यहां पर क्या हुआ, लिखो ड्यूरिंग प्रेसिप ड्यूरिंग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इफ बिना लिखो, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, ठीक है, इज इनसॉल्युबल इन वॉटर, इट आइदर सेटल्स डाउन एट बॉटम और फ्लोट्स एट टॉप, ठीक है, एंड सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। पहले इस चीज को समझो एक वीडियो से, तब फिर हम आगे बढ़ो, प्रेसिपिटेट होता क्या, जैसे दूध में पनीर फट जाता है ना तो वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसी तरीके से जरा देखें, फिर करके भी देख लेंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ओके, एडिंग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, ये भी करके दिखाएंगे, ड्रॉपर इनटू, इट्स ऑन द वेदर व्हेन पीपल, गुड इवनिंग बेटा।